लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है। भाजपा नेताओं ने इसे लेकर देश के कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और सफाई दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। वे भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, बीजेपी हमेशा की तरह झूठ का सहारा ले रही है। वो उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि वो हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलेंगे जो भारत को परिभाषित करते हैं, विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 सितंबर 2024 को वाशिंगटन डीसी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कहा था, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या किसी सिख को अपनी पगड़ी पहनने या भारत में गुरुद्वारे जाने की अनुमति दी जाएगी। ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर सिखों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को आतंकवादी तक करार दिया है।